नमस्कार दोस्तों, सुपर टेक गुरु में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपका भी मोबाइल हैंग कर रहा है तो आप कुछ सेटिंग करके अपने मोबाइल को हैंग करने से बचा सकते हैं। तो गाइज, हम चलिए आपको आज बताते हैं कि यदि आपका मोबाइल हैंग कर रहा है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको इससे सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यदि आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको किस प्रकार से हम लाएंगे ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा अबाउट फ़ोन में। तो चलिए अबाउट फ़ोन में जाते हैं। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्जन। तो आपको यहाँ पे 7 टाइम क्लिक करना होगा उस पर, तो आपका डेवलपर ऑप्शन एडिशनल सेटिंग में शो करने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये इस प्रकार का मैसेज दिखा रहा है। तो गाइज, सैमसंग मोबाइल में आपको एडिशनल सेटिंग में नहीं मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, और अदर मोबाइल में भी अलग अबाउट फ़ोन में ही मिलता है। और यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखेगा दूसरा फ़ोन में, लेकिन ये ओप्पो का मोबाइल है इसलिए इसमें आपको एडिशनल सेटिंग में दिख रहा है। तो फिर से एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद डेवलपर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको ऊपर में दिख रहा होगा उसको फिलअप कर लेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल के आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे आपको नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पे देखिए विंडो एनिमेशन स्केल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ और इसको ऑफ कर देना होगा, एनिमेशन ऑफ करना होगा। यहाँ पे 1:2 था और फिर से ट्रांजिशन में जाएंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे और फिर से एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पर जाएंगे और इसको भी यहाँ पे ऑफ कर देंगे। और इसके बाद और नीचे की ओर यहाँ से जाएंगे, एक और सेटिंग कर लेते हैं जिससे कि आपका मोबाइल स्मूथली चलेगा। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, आपका जो भी एप्स हो या कोई भी हो, बैकग्राउंड यदि प्रोसेस करता होगा तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना होगा क्योंकि पहले से आपका स्टैंडर्ड था। तो चलिए, इस सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना होगा। तो गाइज, आप इसे दूसरा मोबाइल में करेंगे तो आपका, यदि सैमसंग का मोबाइल होगा तो आपका सबसे नीचे आएगा अबाउट फ़ोन के नीचे डेवलपर ऑप्शन आपको शो करेगा। तो गाइज, चलिए यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पूरा स्मूथली काम कर रहा है। और बाद आपको दूसरा सेटिंग करना है, आपको अपने मोबाइल को क्लीन अप कर लेना है। यदि ओप्पो का मोबाइल है तो आपको फाइल मैनेजर में ही क्लीन अप का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां से आप इसे क्लीन अप कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे क्लीन अप कर लेता हूं। तो क्लीन अप करने के बाद यहां पे देखिए सक्सेसफुली क्लीन अप हो चुका है। इसके बाद आपको यहां से बैक जाना होगा और बैक जाने के बाद आपको यहाँ से फिर से आपका मोबाइल देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्मूथली चल रहा है। और इसके बाद तीसरा स्टेप आपको करना होगा, अपने मोबाइल को
स्विच ऑफ करना होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना स्मूथली काम कर रहा है। तो चलिए हम अपने मोबाइल को यहाँ पे स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है, और इसको स्विच ऑफ करने के बाद फिर खोलेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कितना स्मूथली आपका मोबाइल काम करेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना लॉक खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथली काम कर रहा है। तो गाइज ये सेटिंग करके आप अपने मोबाइल को हैंग करने से बचा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।